हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाहत का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। चाहत का इंग्लिश मीनिंग होता है क्रश। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसे। एग्जांपल, चाहत की प्यास तो तुम्हें भी है ना। यहाँ चाहत का इंग्लिश मीनिंग होता है क्रश। एग्जांपल, यू आर ऑल्सो थर्स्टी फॉर क्रश आरंट यू। उदाहरण, इंसाफ की चाहत आज बहुतायत में है। यहाँ चाहत का अर्थ होता है क्रश। एग्जाम्पल, द क्रश फॉर जस्टिस इज इन एबंडेंस टुडे। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।